हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? स्टूडेंट, इससे पहले वीडियो में मैंने प्रिपरेशन मेथड ऑफ इनरोल को डिटेल में समझाया, जिसमें हमने तीन मेथड पढ़े थे। फर्स्ट मेथड था फिशर इनरोल सिंथेसिस, नेक्स्ट था मेडुलिंग सिंथेसिस और थर्ड था रिसर्च सिंथेसिस। तो स्टूडेंट, ये तीनों ही मेथड काफ़ी यूजफुल थे। आज जो हम टॉपिक लेने जा रहे हैं, दैट इज केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंडोल, हाउ टू रिएक्ट इंडोल विथ रेजेंट। स्टूडेंट, ध्यान से समझने की बात यही है कि इंडोल भी एक एरोमेटिक कंपाउंड होने की वजह से ये भी स्पेशल रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करता है। मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हर एरोमेटिक का करैक्टर है, क्योंकि इसमें एरोमेटिसिटी कंप्लीट वो के वो ही है जैसा हम पायरिन में पढ़े थे, जैसा और दूसरे हेट्रोसाइक्लिक में पढ़ा था कि ठीक इसमें भी एरोमेटिसिटी है, एरोमेटिक करैक्टर है। और एरोमेटिसिटी होने की वजह से इसमें एक जो स्पेशल रिएक्शन है, दैट इज़ इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इसका स्पेशल करैक्टर है। केमिकल प्रॉपर्टी में स्पेशल केमिकल प्रॉपर्टी कह लें कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और दूसरी है रिडक्शन, और तीसरी है रिएक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। तो ये केवल तीन पार्ट में मैंने इसको केमिकल प्रॉपर्टी को डिवाइड कर दिया। नंबर वन जो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और सिंपल है रिडक्शन, और थर्ड वन है रिएक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। तो हम आज डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो स्टूडेंट, वो का वो क्राइटेरिया कि यहाँ पर जो रिंग बनी हुई है, डबल डबल रिंग आपके सामने है, इनकी रिंग की लोकेशन अगर हम समझें, एक बार के लिए ध्यान से समझें कि रिंग की लोकेशन हमारे लिए ये रहती है, देखें, वन नंबर, टू नंबर, थ्री नंबर, फोर नंबर, फाइव नंबर, सिक्स नंबर और सेवन नंबर, ये नंबरिंग होगी। यानी रिंग की ये पोजीशन होगी कि वो कंडेंस कंपाउंड है, कंडेंस रिंग स्ट्रक्चर है ये। तो यहाँ पर नंबर वन, नंबर टू, नंबर थ्री, नंबर फोर, नंबर फाइव, नंबर सिक्स और नंबर सेवन। तो हमारे लिए एक इम्पॉर्टेंट ये रहेगा कि यहाँ पर हम इलेक्ट्रोफिलिक, अगर हम रिएजेंट लेकर, हमने ये ले लिया रिएजेंट एक, और जो हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफाइल भी होगा, न्यूक्लियोफाइल भी होगा। ये रिएजेंट कौन सी लोकेशन पर अटैच कर सकता है? नंबर वन ये कर सकता है थर्ड पर, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज रेजोनेंस जब ये शो करेगा, तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में कहाँ पर नेगेटिव चार्ज रहेगा, ये टू पर भी जा सकता है और ये सिक्स पर भी जा सकता है। बिकॉज दीज थ्री पोजिशन, टू, थ्री और सिक्स पोजिशन हैव नेगेटिव चार्ज इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ इंडोल। जैसे हम इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर पढ़ते हैं, तो इस रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनेंगे तो टू पोजिशन पर, किसी में टू पोजिशन पर देखने को मिला नेगेटिव, किसी में थ्री पर देखने को मिला और किसी में सिक्स पर देखने को मिला। तो टू, थ्री और सिक्स पोजिशन ऐसी पोजिशन है इंडोल की जहाँ पर नेगेटिव चार्ज जा रहा है। अब हम नेगेटिव चार्ज जाने की वजह से हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैन अकर ऑन पोजिशन टू, थ्री एंड सिक्स। टू, थ्री और सिक्स पोजिशन, सिक्स पोजिशन बेंजीन रिंग वाली पोजिशन है और टू और थ्री पायरोल रिंग वाली पोजीशन है। तो इनमें से भी अब कौन सूटेबल रहेगा, किस पर मतलब मेजर प्रोडक्ट बनने के चांसेस इनमें से किस में रहेंगे, ये इंपॉर्टेंट डिस्कशन है अब हम। तो इसके लिए एक बात बिल्कुल रेडी रखें, एक क्राइटेरिया बना रहा हूँ मैं, एक प्रोसेस बना रहा हूँ कि हाउ टू आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बाय इंडोल। तो इसका एक सिंपल तरीका ये है कि आप जितनी पोजीशन आपने सेलेक्ट की हैं, वन, टू, थ्री पोजीशन आपने सेलेक्ट किए हैं, तो एक सिंपल मैं आपको एक आइडिया दे रहा हूँ, एक समझाने और समझने का एक तरीका समझा रहा हूँ, जिससे कि आपको रटना नहीं पड़े और लिखना बहुत आसान रहे। तो हम क्या करेंगे कि अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पोजिशन टू, ऐसे ही अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पोजिशन अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पोजिशन थर्ड। तो ये इलेक्ट्रोफाइल कौन सा इलेक्ट्रॉन पोजिशन थर्ड, और ऐसे ही हमें एक बार बना लें स्ट्रक्चर, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन पोजिशन सिक्स।
तो हमारे लिए क्योंकि ये तीन ही पोजिशन निकल कर आई जहाँ पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसलिए हम तीन चांसेस लेंगे, हम तीन चांसेस लेंगे और इन तीनों चांसेस पर अटैक कराएंगे, इन तीनों पोजिशन पर अटैक करेंगे इलेक्ट्रोफाइल का। और जब हमें इन पर अटैक कराएंगे तो इनके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो इस पर अटैक कराया, पोजिशन नंबर टू पर अटैक कराया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे, इस पर अटैक कराया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे, इस पर अटैक कराया, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखे। गॉट इट माई पॉइंट? आई थिंक मैं ये समझाना चाह रहा हूँ कि हाउ टू डिटरमाइन द मेजर प्रोडक्ट इन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कैसे हम निर्धारित करें कि इंडोल इन तीन में से किस में से ज़्यादा मेजर प्रोडक्ट बनाएगा। तो इसके लिए मैंने एक क्राइटेरिया बनाया, एक प्रोसेस, एक विधि है ये कि भाई कैसे जस्ट टू आइडेंटिफाई द मेजर प्रोडक्ट। तो क्या करें, दो सेकेंड पोजिशन पर अटैक करा लें और फिर देखें उसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर, ऐसे थर्ड पोजिशन पर अटैक कराएं फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें, ऐसे सिक्स पोजिशन पर अटैक कराएं और फिर रेजोनेंस स्ट्रक्चर देखें। तो हम ये देख पाएंगे इससे अनस्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, अनस्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बने, इससे भी अनस्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बने हैं दीज आर अनस्टेबल। और जब हमने इस पर अटैक कराया तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो बने वो स्टेबल थे, तो जो स्टेबल जो बना रहा है वही अटैक, वही पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहेगी मेजर प्रोडक्ट बनाने की। तो ये बिल्कुल क्लियर बात कर लें, इस पर हम इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराते हैं तो अनस्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनते हैं, इस पर अटैक कराते हैं तो स्टेबल बनते हैं, इससे पर अटैक कराते हैं तो अनस्टेबल बनते हैं। दो रिंग के बीच में जब पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इसमें ऐसी पोजिशन है कि दो रिंग के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पर भी दो रिंग के बीच में पॉजिटिव चार्ज है, और यहाँ पर ऐसा कहीं नहीं, कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बना जब रिंग के, दो रिंग के बीच में पॉजिटिव चार्ज हो। बीच में पॉजिटिव चार्ज होने का मतलब वो रिंग रैप्चर हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी, वो अनस्टेबल कहलाएगी, तो वो प्रोडक्ट बनेगा भी नहीं। तो कौन सी पोजिशन पर अटैक बनाया? पोजिशन नंबर थर्ड। तो इसका मतलब हम ये एक बात बिल्कुल क्लियर कह देते हैं, ड्यूरिंग इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच टाइप ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म, थर्ड टाइप बना, थर्ड पोजिशन वाला, थर्ड पोजिशन प्रोडक्ट बनेगा, थर्ड पोजिशन पर, यानी नाइट्रेशन कराएं एग्जाम्पल के लिए, जब नाइट्रेशन कराएंगे तो ये जो नाइट्रो ग्रुप अटैच होगा वो इसकी थर्ड पोजिशन पर अटैक कर इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, इस टाइप का प्रोडक्ट बनेगा, जो कि आपको बिल्कुल क्लियर रहना चाहिए, इस टाइप का, ये वाला। तो यहाँ पर ये नाइट्रेशन होगी, ये तो एज इट इज रिंग, इसमें कोई चेंज नहीं हुआ। तो इस तरह से सारे प्रोडक्ट जो बने, इसमें अगर हम देखो नाइट्रेशन में, हम पहली बात तो ये बात कर रहे हैं कि नाइट्रो अटैच होगा, इसमें हैलोजिनेशन में हैलोजन अटैच होगा, यानी सी एल टू लिया जाए तो सी एल टू अटैच होगा, इसमें सल्फोनेशन में एसओ थ्री एच अटैच होगा, इसमें जब गटर मान की बात कर रहे हैं तो ये जो ग्रुप है ये आपको फॉर्माइल ग्रुप मिलेगा, कौन सी पोजिशन पर, थर्ड पोजिशन पर। रामर टिमन लें तो भी यही मिलेगा फॉर्माइल ग्रुप। ये मैंने शॉर्ट में आपको लिख दिया है कि नाइट्रेशन में क्या होता है, हेलोजिनेशन में क्या होता है, सल्फोनेशन में क्या होता है, गटरमान में क्या होता है। तो आप ये ध्यान रखें, नाइट्रेशन में एनओ टू अटैच होता है, हेलोजिनेशन में हेलोजन अटैच होता है, सल्फोनेशन में एसओ थ्री एच अटैच होता है, इसमें फॉर्माइल ग्रुप अटैच होता है, रामेटेमन में फॉर्माइल ग्रुप अटैच होता है, एसिटाइलेशन में एसिटाइल ग्रुप अटैच होता है, COCH3। ऐसे ही मैनिज जो रिएक्शन है उसमें ये वाला जो ग्रुप है, ये टर्सरी अमीन टाइप ग्रुप है, ये अटैच होता है। इसमें कपलिंग में ये जो ग्रुप अटैच है, N2AR ग्रुप अटैच होता है, N2AR मतलब कपलिंग हो जाएगा, N2AR का मतलब एराइल ग्रुप। तो ये आपके लिए एक बहुत शॉर्ट और स्वीट ट्रिक बना दी मैंने कि इन रिएक्शंस को डिटेल में आप लिखने की जरूरत कहाँ है, डिटेल में आप एग्जाम में लिख सकते हैं, रटने की जरूरत कहाँ पड़ी, आपके पास इतना लर्न करने के लिए मटेरियल जरूरत नहीं है। एक तो ये ध्यान रखें कि इनमें प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक ये ध्यान रखें कि इनमें इनिशियल रिएक्टेंट्स और रिएजेंट्स क्या होंगे। लाइक नाइट्रेशन कराते हैं तो इथाइल नाइट्रेट लेंगे, लाइक हैलोजनेशन कराते हैं तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड लेते हैं, लाइक सल्फोनेशन कराते हैं तो एसओ थ्री लेते हैं, लाइक गटरमान रिएक्शन कराते हैं तो ये देखो CH3 होल ट्वाइस लेते हैं। तो ये जो इसी तरह राइमेटिमन में क्लोरोफॉर्म और
KOH लेते हैं, इसी टाइप से एसिटाइलेशन में एसिड एनहाइड्राइड लेते हैं, इसी टाइप से मैनिस रिएक्शन में क्या लेते हैं फॉर्मल्डिहाइड और ये सेकेंडरी अमाइन लेते हैं, इसी टाइप से कपलिंग रिएक्शन में ये वाला रिएक्शन लेते हैं बेंजीन एजिनियम सॉल्ट डाइजिनियम सॉल्ट लेंगे, बेंजीन डाइजिनियम सॉल्ट लेंगे। तो इस तरह से ये जो एक इम्पॉर्टेंट तरीका है, ये शॉर्टकट बहुत ही सुंदर सा तरीका है कि आपको कभी रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप इसको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम में भी कर पाएंगे। और रटने की तो मैं कहूँ कि ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको दो ही चीज़ समझनी थी कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन क्यों होता है, वो तो एरोमेटिसिटी है, किन पोजीशन पर होगा वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। फिर तीसरी बात, इन रिएक्शंस के एग्जांपल्स आपको पता होना चाहिए, इन एग्जांपल्स में प्रोडक्ट किस टाइप के बनेंगे वो बता दिया, इन एग्जांपल्स में हमें रिएक्टेंट और रिएजेंट्स क्या लेंगे वो हमें बिल्कुल क्लियर कट पता लग गया है। इसके जस्ट बाद की बात करें तो वो है रिडक्शन, ये तो था हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब हम बात कर रहे हैं रिडक्शन की, आज हम इसकी केमिकल प्रॉपर्टी को कंप्लीट करना चाह रहे हैं। तो रिडक्शन में देखें, रिडक्शन की बात करके चलते हैं तो यहाँ पर दो टाइप का रिडक्शन है मान के चल लें, एक तो है जब हम SN ओब्लिक HCl लें और एक हम रेने निकल लें, रेने निकल निकल रेने निकल लें H2 के साथ, रेने निकल के प्रेजेंस में और इस प्रेजेंस में फर्क क्या है, इसमें केवल और केवल पायरोल रिंग रिड्यूस होगी, इसमें केवल और केवल पायरोल रिंग रिड्यूस होती है, जो कि ये वाली रिंग थी इसका डबल बॉन्ड हट गया है और ये बन गया है, ये बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो गया और ये पायरोल रिंग रिड्यूस हो गया। और जब हम रेने निकल लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, रेने निकल जब लेते हैं तो ये कंप्लीट दोनों की दोनों रिंग ही रिड्यूस हो जाएंगी और प्रोडक्ट इस तरह से बनेगा, दोनों रिंग जब रिड्यूस हो जाएँ तो इस तरह का प्रोडक्ट आपके सामने नज़र आएगा, तो सारे के सारे बॉन्ड कन्वर्ट हो गए सिंगल में, तो ये सैचुरेशन आ जाएगा। तो ये रिडक्शन प्रोसेस में, और एक रिएक्शन है अमीनो ग्रुप की रिएक्शन। तो अमीनो ग्रुप में स्टूडेंट ध्यान से सुनने वाली बात ये है कि यहाँ पर NH ग्रुप जो है ये जो है रिएक्शन, यहाँ पर ये जो H है ये H यहाँ से हटेगा और किसकी प्रेजेंस में, या तो हम गिरनार रिजेंट लेंगे RMJX की, दो रिएक्शन हुआ अमीनो ग्रुप की, दो ही रिएक्शन में बिल्कुल क्लियर थर्ड रिएक्शन बता रहा हूँ, ये तो होगा फर्स्ट, ये वह सेकंड, और थर्ड रिएक्शन हमने जो लिखा है रिएक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप रिएक्शन है, उसमें दो ही रिएक्शन लिख दें, एक और ये दो, एक तो है RMJX के साथ और एक है RLI के साथ, R कोई भी मेटल हो, तो इसमें R यहाँ पर अटैच हो जाएगा H को हटाकर, यानी H यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा अमीनो से, और ये R वहाँ पर क्योंकि नेगेटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, यहाँ पर ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, तो H को हटाकर R वहाँ पर लग जाएगा N पर। तो स्टूडेंट ये तो था कंप्लीट इसकी केमिकल प्रॉपर्टी, बहुत ही डिटेल में बहुत ही सही तरीके से मैंने आपको समझा दिया, इसको एज इट इज़ आप नोट्स बना लें, कोई भी डाउट हो तो मुझसे शेयर कर सकते हैं अपनी प्रॉब्लम को, व्हाट्सएप पर शेयर करें या यूट्यूब चैनल जो दे रखा है उस पर आप डिटेल में पढ़ लें। थैंक यू फॉर टुडे।